ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। दुधवा के बनकटी रेंज कर्मचारियों ने की थारवो संग मारपीट। नमस्कार, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24 सच की आवाज। पलिया कलाखीरी दुधवा टाइगर रिजर्व की बनकटी रेंज के कर्मचारियों ने आदिवासी जनजाति थारू ग्राम कजरिया में जमीन विवाद के दौरान थारवो संग महिलाओं से की मारपीट। उल्लेखनीय है कि दुधवा की बनकटी वन रेंज के ग्राम कजरिया में विवादित जमीन पर जबरन कब्जा करने पहुँचे वन कर्मियों का विरोध पड़ा थारू ग्रामीणों को महंगा। जानकारी के अनुसार वन विभाग के जबरन कब्जे का विरोध कर रहे शिवेंद्र पुत्र रामाश्रय, रमेश पुत्र सियाराम निवासी कजरिया तथा शिवेंद्र की मां को वन कर्मियों ने बनाया बंधक। पीड़ितों का आरोप बनकटी रेंजर समेत तमाम वन कर्मियों ने दोनों युवक व महिला को बंदूक की बाट व लाठी डंडों से पीट पीट कर किया लहूलुहान। महिला के फाड़े कपड़े। इससे पूर्व भी बनकटी रेंज के रेंजर रह चुके हैं। विवाद में जब मामूली चारपाई की लकड़ी ले जाते दो युवकों को पकड़कर 12 घंटे रेंज में बैठाल कर वसूले थे 70,000 रुपए। पीड़ित की मां ने लगाया था आरोप। खबर वायरल होने के बाद लौटाए थे 70,000 पैसे न मिलने व शिकायत से खपा रेंजर साहब ने एक युवक को भेजा था जेल। डिप्टी डायरेक्टर दुधवा ने 70,000 लेने के मामले में संज्ञान लेते हुए एसडीओ दुधवा को सौंपी थी जांच। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वन विभाग द्वारा दो युवक और महिला की पिटाई के बाद थारू ग्रामीणों ने आक्रोशित हो वन कर्मियों को घेरा व बंधकों को छुड़वाया। वन कर्मियों सहित दर्जनों ग्रामीण घायल, दो की हालत गंभीर, जिला अस्पताल रेफर। वहीं पीड़ित महिला ने वन कर्मियों द्वारा कपड़े फाड़ने, अभद्रता करने का लगाया आरोप। गौरी फंटा चौकी के एसआई पर भी वन कर्मियों के साथ मिलीभगत कर धमकाने का लगाया आरोप। प्राइम न्यूज 24 से सैलन तिवारी की रिपोर्ट।